तो तू क्या चाह रही है? हैं? क्या चाह रही है कि मैं जो है चाट पकौड़ी खाने आऊं या इन्हें डिनर पे भेज दूं थारी ससुराल में? मैडम, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो आपने दिया ये काफी ठीक लग रहा है मैडम। मतलब अगर आप चाहें तो मैं और वो भी इसके घर जा सकते हैं जरा कुछ डिनर विनर के लिए। क्या बताया तुमने, प्रीतम पुरा ना? हाँ, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुमको खाने की लग रही है। प्रीतम पुरा मेरा ससुराल है। वेल बेबी, मेरे तीन सवालों का दो आंसर इज द, मैं हूँ चौकी का डिस्को डांसर इज द, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द, व्हाट इज द नेम इज द, कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द, व्हाट इज द मैटर इज द, किसने ऑन किया जनरेटर इज द। हाँ, इस बुढ़ाऊ के जो है तीनों सवालों के जवाब दे दे, इसकी यो आखिरी इच्छा भी हो सके, कभी भी उड़ सके इसकी जिंदगी के प्राण पखेरू। कैरी ऑन। मैडम, मेरा नाम है चपाती, पीतमपुरा मेरा ससुराल है। तुम्हारा नाम चपाती है? चपाती मतलब तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? पूड़ी। और डैडी का क्या नाम है? पराठा। क्या हो गया यार, ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, दहेज वहेज मांग रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ क्या तीज के झूले लटक रहे हैं जो झूलने आई है? नहीं नहीं मैडम, ऐसी भी बात नहीं है, मैं तो अपने पति की शिकायत करने आई हूँ। पीतमपुरा मेरा ससुराल है। ओ, क्या कर दिया तुम्हारे पति ने, पड़ोसन को आंख मार दिया, अड़ोसन को कॉफी पिलाने ले गया। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है मैडम, मैं तो केस में। तू बोल यार। हाँ मैडम, बात ये है कि मेरे पति जो है ना, वो इतना धीमे बोलते कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं, और इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पीतमपुरा मेरा ससुराल है। इलेबोरेट। मैडम पिछले हफ्ते की बात है, मैं बाथरूम में नहाने गई और मैं गैस पे चावल चढ़ाकर भूल गई, और मेरे पति बोलने लगे बाहर से, जल रहा है जल रहा है, और वो इतना धीमे बोल रहे थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और जल गया। क्या चावल? किचन। किचन? और तो और मैडम, बारिश के मौसम में मैं अपने पति के साथ कार में झरने के पास गई। पता है मैडम, मौसम बड़ा रोमांटिक था। और बेईमान भी था। इतने में क्या हुआ कि मेरे भैया का फोन आ गया, और मेरे भैया जो है ना, वो मौसम विभाग में है। उन्होंने मेरे पति से कहा कि डैम का पानी छोड़ा गया, वहां से जल्दी निकल लो। और मेरे पति ने मुझे इतना धीमे बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और बह गई। कौन तुम? अरे भैया कार। कार पूरी? जब लौंडा देखने गई थी शादी से पहले, जब मिले विले होंगे तब रियलाइज नहीं हुआ कि इसकी तो आवाज ही ना निकल रही। मैडम तब तो मैं बड़ी खुश थी कि इतना धीमे बोलते कि बस इनके आगे मेरी बहुत चलेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तो सबके सामने इतना धीमे बोलेंगे। पीतमपुरा मेरा ससुराल है। यार देखो, ऐसा है कि किसी डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकल सा केस है या हमने तो कोई दवाखाना खोल नहीं रखा है। वो तो मुझे भी पता है मैडम कि ये कानूनी केस नहीं है। देखिए ना मैडम, कल मेरा किचन जल गया, कल से बिल्डिंग जल जाएगी, बड़े बड़े कांड हो जाएंगे। पीतमपुरा मेरा ससुराल है। भेज अपने पति ने यहाँ भेज। ठीक है मैडम। अवला नारी है जी, दुखी है बेचारी। आखिर तू मदद कर दे। लप्पी लूसरा डोंट माइंड कर जाएगी जी। आओ आओ आओ, लाओ लाओ लाओ, एकदम सॉलिड है ना, कुछ खराब तो नहीं है, स्क्रैच व्रैच टूटा तो नहीं? हाँ। क्यों, क्या हो रहा है? अरे मैडम, वो यहाँ सुनीता है ना मैडम, वो दो दिन से जेल में है और वो बेचारा बोल रहा है कि अंदर कंफर्टेबल नहीं है। सुनीता मतलब सोने को नहीं होता ठीक से, तो मैं बोला कि एक बेंच रख देते अंदर, दिन में बैठा रहेगा, रात को सो जाएगा आराम से लेट के। नीचे देखो, चलो जाओ अपनी जगह पे। सुनीता थारी भाभी लग रही है।
हैं? एसी लगवा दे अंदर, फ्रिज लगवा दे। सुनीता अबे खुद खड़ा हो जा अंदर, पंखा झल ले उसे, फैमिली को बोल दे अपनी कि मैं नहीं आ रहा अब सुनीता के बिल्कुल। अबे बैंक लूटा है सुनीता ने। नाम है मेरा सुनीता। होटल में चेक इन ना करा है, हॉलीडे पैकेज बिल्कुल, यहाँ होम डिलीवरी रूम सर्विस होगी यहाँ बिल्कुल ही। सुनीता का लवर हो रहा। अरे यार क्या क्या मॉम शी इज द हस्बैंड इज द। अच्छा हस्बैंड, हाँ वो अपना अच्छा पाती का तंदूर तू ही है। अबे क्या कह रहा है, जोर से बोल ले। मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे बोली है मैडम, ये जोर से कैसे बोलेगा? अगर ये जोर से बोल सकता तो इसकी बीवी यहाँ आती क्यों? यार भाई मैंने तो यो पॉइंट पे सोचा ही कोई ना यार, हाउ रिडिकुलस ऑफ मी यार। अरे मैडम कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया मैडम, एक ही बात है मैडम, अब ठीक है कोई नहीं। अबे चल चल, ज्यादा यहाँ होशियारी ठोकने की कोई जरूरत ना है। वो दीवार दिख रही से? वो तो रोज दिखते हैं मैडम, क्यों? हाँ उसी से फ्रेंडली हो जा रहा, उसी पे टंगेगी थारी एक फोटो। और जिसके जाने के दिन है वो अगरबत्ती लगाएगा तेने, हार वार चढ़ाएगा रोज, फूल वूल। सॉरी सॉरी मैडम सॉरी। ऐसा है अपना जो है कान इसके मुंह के पास लाई, वो जो कहता है ऐसा सुन और जरा बोल मन्ने के कह रहा है। नाम बोल अपना। मैडम ये कह रहा है कि इसे भूख लग रही है, इसे बर्गर खाना है। तू साइड में बोले, तू दूर बोले इससे, चल साइड में बोले चल। ए काका जी जरा आइए यहाँ कुछ काम, अपना अखबार छोड़ दे, इसकी कुप्पी बना लाउड स्पीकर टाइप भोपू और दे इसे। तेरी करना कुप्पी, bring it। हाँ हीब नाम बोल। नाम है कोलाहल, मचा देगा शोर, आवाज तो सुसरे की निकल कोई ना रही है। क्यों ना निकल रही भाई आवाज, हैं? बीबी आई थी थारी रोती हुई यहाँ, गुहार लगाती हुई एकदम परेशान सी। Well, why the you the slow singing is the speaking? Yeah, this one. दरअसल मैडम इसमें सब कुछ है मेरे डैडी का कसूर, शोर मचा दूंगा। ओह तो तुम्हारे डैडी ने तुमसे कहा धीमे बोलने के लिए? तू सरवण कुमार हो रहा है कि डैडी ने जो भी कह दिया तेने मान ली बिल्कुल ही? नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि जब मैं छोटा बच्चा था शोर मचा दूंगा। अबे एडजस्ट करो, देखो जरा इस अखबार में भोपू ने। ओके वन मोमेंट प्लीज। हालो हालो हालो, वन टू का फोर, वन टू का फोर, हालो 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 हालो, हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, चल चल चल। बोलो यार। दरअसल मैडम जब मैं छोटा था तो एक बार मैंने बहुत जोर से चिल्लाया तो मेरे डैडी ने मुझे आके बहुत जोर से डांटा और कहा कि आइंदा अगर इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया तो शोर मचा दूंगा। मैडम मैं इतना डर गया कि तब से मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। मैं बहुत सहम गया था मैडम शोर मचा दूंगा। अबे तो लेकिन अब तो जो है भरपूर जवान हो गया है गबरू, हैं? बचपन बीत गया, ईब क्यों डरा सहमा है तू? अब आदत हो गई है। लो भैया सारा कसूर डैडी का हो रहा है, जरा डैडी ने बुलवाओ इसके। तू जा और ये ले जा अपने साथ ये भोपू, तेरी बीवी भी खुश हो जाएगी और ये भी सूसरा कुछ काम वाम करेगा। अखबार लो, अखबार दो मेरे। अरे सुन, अरे अखबार।
मैं ला रहा हूँ सुनीता, घबराओ नहीं सुनीता, मैं ला रहा हूँ। अरे मैडम वो सुनीता। मॉम शी इज द फादर इज द है ही या दिस वन। आप हैं वो कोलाहल के डैडी है? ए, जी कोलाहल की माँ तो यही कहती है टेंशन के टेंट में। देखिए आपकी बहू यहाँ पर आई थी और उसने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन की है कि आपका बेटा इतना धीरे बोलता है, इतना धीरे बोलता है कि उसकी कही हुई बात किसी को सुनाई नहीं देती है। सच सच बिल्कुल सच कह के गई है वो टेंशन के टेंट में। उसके बाद आपका जो सुपुत्र है कोलाहल वो भी आया था चौकी में और वो तो यो कह रहा है कि उसकी इस हालत के जिम्मेवार आप हैं। है मैं टेंशन की टेंट में? देखिए ऐसा है कि जो पेरेंट्स हो गए हैं ना माँ बाप, वो अपने बालक को अपने बच्चों को खूब जो है बचपन में घुट्टियां पिला हुए हैं ताकि उनके सारे डिपार्टमेंट जो है एकदम टकाटक चले। आपने जो है अपने बालक को ऐसी डांट की घुट्टी पिलाई कि उसकी आवाज घुटगी। या शी इज पुअर चिप्स चैप या दिस वन। मैडम दरअसल बात यह है कि मुझे आज भी याद है वो सतरंगी सुबह जब मैं रेडी होके डूबा था सेंट में और मेरी काम वाली बाई भी आ गई थी टेंशन के टेंट में। मेरी काम वाली बाई जिसका नाम है रोजी, उसके साथ में हो रहा था कोजी, तभी मेरा बेटा भी वहां आ गया बन के खोजी। मैडम टेंशन की टेंट में मैंने उसे बहुत इशारा किया कि चुप रह, मुंह मत खोल, बंद कर मुंह, कुछ मत बोल, लेकिन मैडम उसने इतनी जोर से अपनी माँ को आवाज लगाई कि वो भी आ गई। Well, what happened after he come is the कोलकाता में है एयरपोर्ट दमदम is the। यार जरा बताओ यार, क्योंकि कह के मेरी बीवी भी ऐसे मुझे एक दो बार पकड़ चुकी है। हाय हाय नहीं मैं कुछ नहीं बोला, मैं कहाँ बोला। अरे होला क्या था, टेंशन की टेंट में उसने मुझे लतेड़ लतेड़ के लेटा लेटा के खींच खींच के घसीट घसीट के घुमा घुमा के ऐसा पीटा, जूता लात घूसा डंडा और ईटा सब कुछ इस्तेमाल कर दिया उसने इसमें। मैडम टेंशन की टेंट में उसके बाद मैंने अपने बेटे को कस के डांटा कि खबरदार, जो आज के बाद तो ऊंची आवाज में किसी को कुछ भी बोला तो आवाज भी लगाई तो हाँ टेंशन की टेंट में। हाँ बस यार आप तो बहुत ही निहायती बदतमीज आदमी हो अंकल जी। एक तो ज्यादा ओवर फ्रेंडली नेचर के, उस पर से जो इतना घमंड से प्राउड से जो है बिल्कुल यहाँ बता रहे हैं चौकी में इस उम्र में, और ऊपर से बालक को इतना डांट दिया कि वो सहम गया उसकी आवाज बैठ गई। अरे मैडम मैडम मुझे क्या पता था कि मेरा प्यारा कोलाहल एकदम कुमला जाएगा मैडम टेंशन की टेंट में। मैं आपको बताऊं दरअसल उसके गले के प्रिंटर की इंक सूख गई है। मैडम मैं खुद चाहता हूं कि उसकी आवाज वापस लौट आए टेंशन की टेंट में। मिश्राला जरा ये ना हमारे साथ, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर मैं जरा एक केस के बीच में हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। अरे केसेस बाद में करी ना, बहुत जरूरी बात है, मजेदार बात है, आइए अंदर आइए, कैबिन में आइए हमारे। सर सर आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, आप जरा चलिए केबिन में, मैं कर रही हूं आपसे बात। हैं आप निकलिए यहां से अंकल जी। जी इससे पहले मैं उम्र का लिहाज भूल जाऊं, आप जाइए यहां से, बेटे को तुम्हारे को हम सही करेंगे, चलो। हाँ, टेंशन की टेंट में, टेंट में रहिए। घटिया आदमी एक नंबर का गुलगुले। जी मैडम। तो एक काम कर, एक डॉक्टर ने बुलवा, एक आवाज के डॉक्टर ने जो इसका अपना कोलाहल का इलाज करेगा, और ढंग का लाइयो, अपने जैसा ना लाइयो कोई बिल्कुल ही। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप, टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं आपको गारंटी देता हूँ डॉक्टर से आप मिलेंगी ना मैडम, आप इतनी खुश हो जाएंगी कि आप आइटम डांस कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप खुश हो जाएंगी। गोपी। Yeah, mom. What can I do? Hi. Hi. जब वो डॉक्टर आए तो कोलाहल और उसकी बीवी ने यहाँ बुलवा के रखना। Okay.
फिर करेंगे कुछ। आई नीड सम फ्रेश एयर, मैं एक राउंड मार के आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। अरे बंद क्यों हो गया? मिस्ड कॉल, लगता है लप्पी दूसरा मिस्ड कॉल दे रही है। अरे क्या बात है यार, लकी है यार, क्या बोल रही है? वन मोमेंट। ओह नो, अरे यार ये सर जी मुझे मिस्ड कॉल क्यों दे रहे हैं? ये सर तो इधर ही हैं, जाके पूछ ले क्यों दे रहे हैं मिस्ड कॉल। अरे यार क्यों इतना घबरा क्यों रहा है यार, जा पूछ ले यार, पतीले को ढका ही रहने दे। ऐसा क्या हो जाता है अंदर, तू कुछ छुपा रहा है गोपी? वेल सर, यूदा मीदा कालिंग इज द मलिंगा करता है बालिंग इज द हाँ। गाना गाओ। सर मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं गाना नहीं गा सकता सर। hey! Hey! और मैं ड्यूटी पे हूँ तो मैं गाना क्यों गाऊं? क्योंकि हम कह रहे हैं, हम मतलब बजरंग पांडे, yeah! इस चौकी की चीफ इंस्पेक्टर मतलब जो तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। वेल सर यू आर राइट इज द मकर संक्रांति में उड़ती है काइट इज द काइट। छोड़, फाड़ दो काइट को, गाना गाओ। और सुनो कुछ ऐसा गाना गाना हमारे लिए कि हम रूठ गए और तुम हमें मना रहे हो। क्योंकि हम गए रूठ और हमारा दिल गया टूट। मिस चौटाला तुम्हें मनाएगी नहीं क्या? हमारी बात मत सुनो बे, गाओ तुम, हमें हमें मनाओ और हम इमेजिन कर लेंगे जो हमें करना है, गाओ। Well, doctor, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the बोलिए ना डॉक्टर साहब, ये बोलने लग जाएंगे ना, ये जोर जोर से चीखने लग जाएंगे ना, पीतमपुरा मेरा ससुराल है। अबे डॉक्टर साहब, इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब लोग, आप जवाब क्यों ना दे रहे हैं? इनका गला अच्छा है। हाँ? इनका गला अच्छा है। जो गला है ना वो अच्छा है। ओ माय गॉड, इस डॉक्टर को तो है सेम बीमारी इस द लड़कियां मुझे कहती हैं शिकारी इस द। अरे मैडम मैं क्या करूं,
मतलब मुझे तो एक दोस्त ने कहा कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं इन्हें ले आया। मुझे क्या पता था कि इनकी आवाज भी इस तरह बैठी होगी। अबे शिकारी, अखबारी, जर्नलिस्ट, दे इसका एक भोपू बना अखबार का, इसको दे डॉक्टर ने। या बनाता हूँ मैं भोपू इज़्ज़ा, लप्पी लूथरा मुझे कहती है गोपू इज़्ज़ा। Bring it. डॉक्टर साहब ये इसमें भील नहीं खाना है, इसमें बोलना है इसे। अरे इसको लाउड स्पीकर समझ के बोलिए ना आप यार, डॉक्टर साहब इसको क्या तकलीफ है। मैडम। हाँ हाँ मैडम, मैंने इनका गला चेक किया है, इनके गले में मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, गला फाड़ फाड़ के, बस किसी सदमे की वजह से इन्होंने तेज चिल्लाना यानी कि तेज बोलना छोड़ दिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम है गला फाड़ फाड़ के। अगर अगर इनके सामने ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा माने ऐसा कुछ हो जाए जिनकी वजह से इनकी चीख निकल पड़े, जैसे कि हाँ ठीक है वो हम करवा लेंगे, आप चलिए। थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हैं अतरंगे कलाकारों आप, थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम, हम चलते हैं। गला गारंटी खत्म हो गई। ओए मेरा अखबार। मैडम ये ठीक तो हो पाएंगे ना, पीतमपुरा मेरा ससुराल है। जब तक ये ठीक ना होगा तब तक मैं चैन से ना बैठूंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।